चलो, 10th में से किसने किया है? 10th में गर्व ने कर लिया है, उज्जवल ने कर लिया रेंज। 10th वाले बच्चों में से गर्व और उज्जवल ने किया, और किसी, नवीन, हर्षित, सर पहले दो हो गए, अभी तीसरा करना। कर। चलो कुछ नहीं होता, अब मेरे को गर्व आंसर दे। सर पहले IE1 नियोन की सबसे ज्यादा, फिर फ्लोरीन की, फिर MG की, फिर NA की। एक मिनट, बस एक मिनट, जगह नियॉन, नियॉन के बाद फ्लोरीन, मैग्नीशियम, फिर सोडियम। मैग्नीशियम, फिर सोडियम। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, मैं फिर भी बता दूंगा एक बार, हालांकि मैंने वीडियोस में कराया हुआ सबको, तो सबने किया हुआ है। नेक्स्ट, सर सोडियम, नियॉन, फ्लोरीन, मैग्नीशियम। सबसे ज्यादा सोडियम की, क्योंकि सोडियम नोबल गैस बन जाएगा Ae2 के लिए। सोडियम, इसके बाद सर उसके बाद फिर गर्व। नियॉन, फिर फ्लोरीन, फिर हाँ मैग्नीशियम। बिल्कुल सही है। फिर Ae3 में सर वो भी निकाल रहा निकाला नहीं अभी। हूँ ये, सर बस निकाल रहा हूँ सर। मैग्नीशियम की सबसे ज्यादा होगी I3 में। हाँ, मैग्नीशियम सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि वो नोबल गैस बन जाएगा नियॉन। यस सर। फिर सर टू सोडियम की, हाँ फिर सर फ्लोरीन की, फिर नियॉन की। बिल्कुल सही है, मैग्नीशियम, सोडियम, फ्लोरीन हाफ फिल्ड हो जाएगा, और मैग्नीशियम फुल फिल्ड हो जाएगा, और फिर होगा नियॉन। एक बार जल्दी से देख लेंगे, जल्दी से चेक करेंगे। फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम। फ्लोरीन है हीलियम 2H2 2P5, नियॉन है हीलियम 2H2 2P6, हीलियम 2H2 2P6 3S1, हीलियम 2H2 2P6 3S2, ये है। तो ध्यान देंगे, फ्लोरीन, हीलियम 2। हाँ बोलो। सर IE3 में सोडियम के फ्लोरीन से ज्यादा आएगी। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, एक बार चेक कर लेता हूँ, मैंने अभी देखा नहीं है, मैंने ओरली देखा है उसमें। Ae3 में सोडियम बन जाएगा फ्लोरीन, सोडियम फ्लोरीन बन जाएगा, और हाँ ज्यादा होनी चाहिए, देखते हैं एक बार। देखो सर, अब इसमें Ae1 की बात करें तो पहले चेक करेंगे इन दोनों में हम पीरियड में जा रहे हैं, इन दोनों में हम पीरियड में जा रहे हैं। इसमें शेल सिर्फ कितने हैं? सेकंड शेल तक जा रहे हैं, सेकंड शेल तक है। इसमें थर्ड शेल भी आ गया, थर्ड शेल भी आ गया, तो इन दोनों की एनर्जी कम, यानी सबसे ज्यादा नियॉन की होगी, नियॉन क्योंकि फुली फिल्ड है, उसके बाद फ्लोरिन की, फिर इन दोनों में भी पीरियड में जा रहे हैं तो मैग्नीशियम की ज्यादा, फिर सोडियम की कम। तो नियॉन, फ्लोरिन, मैग्नीशियम, फिर सोडियम, नियॉन, फ्लोरिन, मैग्नीशियम, सोडियम। Ae1 बिल्कुल करेक्ट है। Ae2, Ae2 के लिए एक इलेक्ट्रॉन कम कर दो। सर IE3 में ना मैंने गलत बोल दिया था सर, सोडियम की ना नियॉन से कम होगी। अभी एक मिनट, जाओ गर्व। 2P4, ये 2P5, ये 2P6, और ये 2P6 3S1, तो ये कर देंगे। अब इसमें इन तीनों में तो पीरियड में जा रहे हैं, इसमें ग्रुप में आ गए, तो मैग्नीशियम सबसे कम होगा विदाउट एनी डाउट, मैग्नीशियम सबसे कम हो गया। अब उसके बाद कोई एक्सेप्शनल केस है? बिल्कुल है, 2P6 फुली फिल्ड है, यानी सोडियम सबसे ज्यादा होगा, सोडियम, फिर उसके बाद आएगा नियॉन, नियॉन के बाद फ्लोरीन, सोडियम, नियॉन, फ्लोरीन, ये भी बिल्कुल सही है। अब तीसरा केस आ गया Ae3, Ae3 में हम क्या करेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन और कम कर देंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन, 2P3, 2P4, 2P5, 2P3 हो जाएगा, ये 2P4 हो जाएगा, ये 2P5, और लास्ट में 2P6 हो जाएगा, लास्ट में 2P6 हो जाएगा। तो इसलिए सबसे ज्यादा तो इसमें, अब इसमें हम पीरियड में ही जा रहे हैं, तो सबसे ज्यादा इसमें मैग्नीशियम की होगी, सबसे ज्यादा मैग्नीशियम क्योंकि फुली फिल्ड है, मैग्नीशियम के बाद आएगा सोडियम, मैग्नीशियम, सोडियम, सोडियम के बाद फ्लोरीन, फिर नियॉन, मैग्नीशियम, सोडियम, फ्लोरीन, नियॉन, यही आंसर आएगा, ये तीसरा सही है। ये वेदांत क्लियर हुआ तेरे को? सर फ्लोरीन तो फुली मतलब हाफ फील्ड हो जाएगा ना, तो वो सोडियम से तो ज्यादा हाफ हो फील्ड जाएगा। किस, नहीं, वेदांत गलती कर रहा है ना, वीडियो ढंग से नहीं देखा तूने, इसका मतलब जो हाफ फील्ड होता है उसकी एनर्जी अपने सिर्फ अगले एलिमेंट से ज्यादा होती है, उससे अगले से ज्यादा थोड़ी होती है, नहीं समझा वेदांत? गर्व। यस सर समझ गया। यस सर, हाँ तो ये गलती नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी, सही, ये गलती नहीं होनी चाहिए। चलो एक काम करो, इन्हीं को Ae4 और Ae5 में भी अरेंज करो, इन्हीं को अरेंज करो Ae4 और Ae5।
गर्भ तूने चेंज क्यों किया था वो I3? सर वो 2P5 में थोड़ी कंफ्यूजन सी हो गई थी लास्ट में। अच्छा चलो अभी I4 I5 में चेंज करना, इसको अरेंज करना। उससे पहले हम नोट करेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, मैं बीच में दूंगा अभी करने को। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ध्यान रखना, एनएचएलजी भी खत्म नहीं हुआ है, क्वेश्चंस बहुत सारे हैं उसके, एक बार कंसेप्ट खत्म हो जाए ताकि मैं मिला करके क्वेश्चन ले सकूँ सारे। हालांकि सबने पढ़ लिया है और इस संडे तक तैयार रहना सब। 12th वालों के दो दो टेस्ट होंगे, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज केमिकल सरफेस केमिस्ट्री का, 11th वालों का पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का। बाकी इसके नोट्स वगैरह बना लेना, 43 ईयर से क्वेश्चन करने आया है, ठीक है, वो सब कर लेना जरूर। एनसीईआरटी एनसीईआरटी एग्जाम्पल सब कर लेना जरूर, क्योंकि काफी टाइम हो गया है इसे खत्म करना है चैप्टर को। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देखो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मैंने तुम्हें बता रखा है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के बाद जो एनर्जी रिलीज होगी वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के बाद जो एनर्जी रिलीज व्हेन एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द न्यूट्रल गैशियस एटम। गैशियस इसलिए लेते हैं ताकि नेबरिंग एटम्स का फर्क ना पड़े, है ना, गैशियस इसलिए लेंगे ताकि नेबरिंग एटम्स का कोई फर्क ना पड़े, ये चीज ध्यान रखना। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एनर्जी रिलीज व्हेन एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द न्यूट्रल गैशियस एटम। हिमांशु भी रहने दे, तो नेक्स्ट नोट करेंगे इसके अंदर। अब इसका वेरिएशन कैसे होता है, मतलब मैंने समझा दिया तुम्हें, एनर्जी रिलीज होगी तो एंथैल्पी नेगेटिव होगी, एनर्जी रिलीज होगी तो एंथैल्पी क्या होगी, नेगेटिव होगी, समझ में आया कि नहीं? एनर्जी रिलीज होगी तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है नेगेटिव होगी। मैंने डेफिनेशन बोली एनर्जी रिलीज व्हेन एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द न्यूट्रल गैसियस एटम, दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। एंड द चेंज इन एंथैल्पी इन दिस प्रोसेस, चेंज इन एंथैल्पी इन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। डेल्टा एच ई जी जो होगा, डेल्टा एच ई जी यानी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये एंथैल्पी होता है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होता है वो माइनस ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है, माइनस ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है। दोनों लगभग यही लेते हैं और एग्जैक्टली लगाना है तो -5/2 RT लगा, -5/2 RT मैंने बता रखा है। अदरवाइज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो हमेशा नेगेटिव होगी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी। दोनों का साइन ऑपोजिट होगा हमेशा, दोनों का साइन क्या होगा, ऑपोजिट होगा। बुक्स में लिखा हुआ है कि मैग्नीट्यूड, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी निकालते समय मैग्नीट्यूड लेना है, मैग्नीट्यूड लेना है लेकिन जब कंसेप्ट हमारा पॉजिटिव हो, कंसेप्ट हमारा पॉजिटिव हो मीन्स एनर्जी रिलीज हो रही है, अदरवाइज मैग्नीट्यूड हमेशा करेक्ट नहीं होगा, हमेशा करेक्ट नहीं होगा, सही ना। जैसे क्वेश्चन आते हैं इसमें, मैं आगे पूछूंगा तुमसे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ से बेरिलियम इज, या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ नाइट्रोजन इज, या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ नियोन इज, तो तुम क्या बोलोगे आंसर, जीरो, नेगेटिव, पॉजिटिव, अनप्रिडिक्टेबल, क्या आंसर आएगा? पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोला है तो नेगेटिव, नेगेटिव आंसर आएगा, ध्यान रखना इस चीज का। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ नाइट्रोजन इज नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ नाइट्रोजन इज नेगेटिव, नियॉन इज नेगेटिव, बेरिलियम इज नेगेटिव। क्यों? क्योंकि अगर हमें इनके अंदर इलेक्ट्रॉन डालना है, अगर इनके अंदर इलेक्ट्रॉन डालना है तो हमें एनर्जी अपनी तरफ से देनी पड़ेगी, तो कंसेप्ट नेगेटिव हो गया ना ये, इसलिए नेगेटिव आंसर आएगा, ये भूलना नहीं बिल्कुल भी। और नेगेटिव किस किस की है, ऐसे बेरिलियम, मैग्नीशियम, इधर नाइट्रोजन, और फिर इसके बाद हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन, रेडॉन, इन सबकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है नेगेटिव है, ये भूलना नहीं बिल्कुल भी, इन सबकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, नेगेटिव, सही ना। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव है, गेन एंथैल्पी पॉजिटिव है, क्योंकि नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन डालना है तो हमें एनर्जी, नाइट्रोजन हाफ फिल्ड है, इसमें एनर्जी देनी पड़ेगी, इसमें एनर्जी देनी, हाफ फिल्ड है तो थोड़ी कम देनी पड़ेगी लेकिन देनी पड़ रही है। बेरिलियम में इलेक्ट्रॉन डालना है तो एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, क्योंकि बेरिलियम में फुल फिल्ड है, एस फुली फिल्ड है, इसमें एनर्जी बहुत ज्यादा देनी पड़ेगी, एंडोथर्मिक होगा ये प्रोसेस, ऊपर भी प्रोसेस एंडोथर्मिक होगा, एनर्जी देनी पड़ रही है, सही ना। और लेकिन अगर तुम्हें नॉर्मल गैस नियॉन में इलेक्ट्रॉन डालना है तो तुम्हें एनर्जी इन सबसे ज्यादा देनी पड़ेगी, इन सबसे हाईली एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा ये, हाईली एंडोथर्मिक नियॉन वाला, क्योंकि नियॉन क्या है, एक तो फुली फिल्ड है और ऊपर से नॉर्मल गैस भी है, फुली फिल्ड है, इनर्ट गैस भी है, इसलिए इसमें ये तो ऑलरेडी स्टेबल है, क्यों ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाहेगा, इसीलिए इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाईली नेगेटिव, हाईली नेगेटिव। वेदांत कोई डाउट तो नहीं है? नो सर, क्लियर है। नेक्स्ट नोट करेंगे हम। अब मैं इसका वेरिएशन बता रहा हूँ, वेरिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ढंग से करना है इसका, इसमें एक्सेप्शंस होती हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये ले लिया, इन सब में इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये 2s1 है, s का सबशेल तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, s का सबशेल तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, हाँ
थोड़ा सा दिक्कत आएगी कि साइज बहुत बड़ा है इनका, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे। जैसे अगर इस केस में इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो वैल्यू तुम कह लो कि माइनस 80 के आसपास होगी, मैं अंदाजा बता रहा हूँ सिर्फ, माइनस 80 के आसपास होगी, माइनस 65 के आसपास होगी, कुछ ऐसे चलेगा, कुछ इस टाइप से चलेगा इसका, सही ना। सोडियम माइनस 65 है तो वे माइनस 52 आ गया, कुछ भी मान लो, तो एनर्जी इसमें रिलीज होगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव होगी। दोबारा बोल रहा हूँ मैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी? पॉजिटिव। कोई डाउट? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी इनकी? पॉजिटिव। गेन एंथैल्पी क्या होगी? नेगेटिव। गेन एंथैल्पी क्या होगी? नेगेटिव। फिर आ गया बेरिलियम वाला ग्रुप, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, रेडियम। तो इस केस में क्या है? इस केस में ये ऑलरेडी फुली फिल्ड है, हीलियम 2s2 है ये, हीलियम 2s2, इसमें s ऑर्बिट ऑलरेडी फुली फिल्ड है, तो इट कैन नॉट एक्सेप्ट एनी मोर इलेक्ट्रॉन एज इट इज ऑलरेडी स्टेबल। ये स्टेबल है तो ये और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं कर सकता है, इसलिए इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी? पॉजिटिव, मतलब प्लस कुछ भी मान लो 60 के आसपास, मान लो 60 आ गया, ठीक नहीं, तो इसमें इलेक्ट्रॉन डालना है तो अंदाजा ये कि 60 किलो जूल के आसपास में एनर्जी देनी पड़ेगी, इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी इसको। इट कैन नॉट एक्सेप्ट एनी मोर इलेक्ट्रॉन, सो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ दिस ग्रुप इज नेगेटिव, डिफाइंड बेरिलियम मैग्नीशियम के लिए, बाकी किसी के लिए डिफाइंड नहीं है अभी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी? नेगेटिव, ये भूलना नहीं है, नेगेटिव पॉजिटिव भी पता होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज नेगेटिव। और एक लाइन मैं बोलूंगा यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, मैं पहले भी यूज कर चुका हूँ और उस समय भी ये बोला था मैंने कि मैं ये आगे लाइन यूज करूंगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में, जो भी हाफ फिल्ड होगा या फुली फिल्ड होगा, इन एटम्स की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप क्या होती है? डिक्रीज करती है, डिक्रीज करती है। वेदांत इसका रीजन दे सकता है? रीजन मैंने समझाया हुआ है, वेदांत, कनिष्क, कोई भी रीजन दो, उसका क्या रीजन था? हाफ फिल्ड हो, अर्नव सर, मैं दूं, उज्जवल, हाँ उज्जवल बोल सर, क्योंकि जब हम नीचे जाते हैं ग्रुप में तब जो एनर्जी डिफरेंस होता है शेल का, वो सब शेल्स का, वो डिक्रीज हो जाता है, तो सर इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर दूसरे सेल में इजीली मूव कर सकते होते हैं, इसलिए स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। 100 out of 100 बिल्कुल सही आंसर है, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था तुम्हें ये आयन एनर्जी में, कि जैसे जैसे, ध्यान सुनेंगे, जैसे जैसे हम हाफ फील्ड और फुल फील्ड के अंदर, जैसे जैसे हम हाफ फील्ड और फुल फील्ड में डाउन द ग्रुप जाते हैं, हाफ फील्ड और फुल फील्ड में जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो उस केस में स्टेबिलिटी कम होती है, क्यों? क्योंकि इनर शेल्स आते रहेंगे जिसकी वजह से सब शेल्स के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है वो कम हो जाता है। इनर शेल्स आते रहते हैं तो सब शेल्स के बीच में एनर्जी डिफरेंस कम हो जाता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो सकता है एक सबशेल से दूसरे सबशेल में, तो इसलिए बोलते हैं स्टेबिलिटी क्या हो गई है? कम हो गई है। तुम देखोगे भी ना, जैसे अगर तुम एनर्जी बिटवीन शेल्स भी चेक करोगे तो पहले शेल की एनर्जी -13.6 है तो दूसरे की कितनी है? -3.4, और ऊपर कितनी हो गई? -1.51, फिर कितनी हो गई? -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो तुम्हें दिख रहा है कि एनर्जी बिटवीन शेल्स भी क्या हो रहा है? कम हो रहा है। ऐसे ही सबशेल के बीच में भी जो एनर्जी डिफरेंस है ऊपर जाने पर कम हो जाता है, ऊपर से नीचे जाने पर, यानी एक एलिमेंट से डाउन द ग्रुप हम जब आएंगे नीचे तो क्या होगा? सबशेल्स के बीच में एनर्जी डिफरेंस कम हो जाएगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो सकता है इधर से उधर। तो इसलिए हम मानते हैं कि जो स्टेबिलिटी है हाफ फील्ड की और फुल फील्ड की, वो डाउन द ग्रुप कम हो जाती है। हाफ फील्ड और फुल फील्ड में डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी कम हो जाती है, इसलिए क्या होगा नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन की एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी बढ़ेगी। इस ग्रुप में तो पॉजिटिव ही है, एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी नीचे आने पर बढ़ेगी। कोई डाउट किसी को? यानी अगर बेरिलियम में इलेक्ट्रॉन डालना है तो तुम एनर्जी दे रहे हो अगर ज्यादा, तो मैग्नीशियम में इलेक्ट्रॉन डालना है तो थोड़ी कम देनी पड़ेगी। समझ आया कि नहीं है? ध्यान रखना, जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं डल सकता है उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव है, गेन एंथैल्पी पॉजिटिव है। अब अगला ग्रुप आया बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। अब बोरोन में क्या आता है? हीलियम 2s2 2p1, हीलियम 2s2 2p1, सही ना। तो इसमें तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो सकता है, इसमें इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो सकता है क्योंकि 2p1 है, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, बोरोन नेगेटिव बनाएगा, सही ना। बोरोन क्या बनाएगा? नेगेटिव ये बना सकता है बोरोन, सही ना। तो इसमें इलेक्ट्रॉन मान लो रिलीज, हाँ इसमें बस ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, इधर s1 था, इधर क्या था? 1s2 2s1, लिथियम में 1s2 2s1 था, s का सबशेल इलेक्ट्रॉन को जल्दी अट्रैक्ट करेगा देन p का सबशेल, इसलिए लिथियम की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो ज्यादा होती है बोरोन से, ये भूलना नहीं है। मतलब -80 है इधर तो इधर हो सकता है -75 हो, -73 हो, 72 कुछ भी हो सकता है, ऐसे हो, इधर -50 हो सकता है, समझे कि नहीं। ग्रुप 1 की हर कोई कहेगा,
मतलब कि अगर ढंग से नहीं पढ़ोगे तो तुम क्या बोलोगे कि बोरोन में साइज छोटा होगा, साइज छोटा होगा तो इलेक्ट्रॉन जल्दी सक करेगा, बोरोन की इलेक्ट्रोनिटी ज्यादा होनी चाहिए लिथियम से, एल्यूमिनियम भी ज्यादा होनी चाहिए सोडियम से, लेकिन उल्टा है रीजन, क्योंकि इसमें एस का इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, एस का सबशेल इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्ट कर रहा है, इधर पी का सबशेल इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्ट कर रहा है, तो एस में जल्दी इलेक्ट्रॉन जाएगा, साइज का वेरिएशन होता है, साइज से फर्क पड़ता है, लेकिन इस केस में ये ध्यान रखना, ये रीजन है इसका, लिथियम की ज्यादा है बोरोन से और सोडियम की ज्यादा है एल्यूमिनियम से, तो इसको भूलना नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है, समझ गए कि नहीं है। और इंडियम थैलियम में भी जैसे इधर -29 है तो इधर -30 है, इधर ज्यादा एनर्जी क्यों रिलीज हुई होगी थैलियम में, क्या रीजन सबको पता होगा इसका, इंडियम से थैलियम में ज्यादा एनर्जी क्यों रिलीज हुई होगी, बताएगा कोई? एंट्री ऑफ एफ बस यही लाना याद रखना, ये तो भूलना ही नहीं बिल्कुल भी, नीचे जाने पर अगर चेंज आ रहा है तो चेंज क्यों आ रहा होगा, पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ इधर 4D और 4F सबशेल्स, 4F की सबशेल्स की एंट्री होगी, उनका स्क्रीनिंग इफेक्ट पुअर, स्क्रीनिंग इफेक्ट पुअर तो इसका मतलब बाहर का इलेक्ट्रॉन जो है, बाहर का इलेक्ट्रॉन जो है आसानी से अट्रैक्ट हो जाए ना, 4F में तो स्क्रीनिंग हो नहीं पाती, शील्डिंग नहीं हो पाती न्यूक्लियस की प्रॉपर, पुअर शील्डिंग इफेक्ट है, इसलिए बाहर का इलेक्ट्रॉन आसानी से अट्रैक्ट हो जाएगा। देखो तुम ध्यान से सुनोगे ना इतने डिटेल में ना, ना तुम्हें बुक्स में मिलेगा ना कोई तुम्हें करवाएगा, इसलिए बहुत ध्यान से करना टॉपिक, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अभी तुम्हें लग रहा होगा जो समझ रहा होगा उसे इजी लग रहा होगा, इसको मन में नहीं बोला बाद में या इसको ढंग से रिवाइज नहीं किया तो ये भूल जाओगे थोड़े टाइम। अच्छा अब आ गया कार्बन वाला ग्रुप, कार्बन सिलिकन जर्मनियम टिन लेड, कार्बन सिलिकन जर्मनियम टिन लेड, इधर एक्सेप्शन आता जर्मनियम और टिन में, इधर किसमें आया था इंडियम थैलियम में, इधर जर्मनियम और टिन में, तो इसमें भी रीजन क्या दोगे, एंट्री ऑफ 4D सबशेल जो जिनका पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट है, जिनका पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट है, ये याद रखना ठीक है। अब कार्बन की यहाँ पे अभी तक पीरियड में सबसे ज्यादा होगी, अभी तक पीरियड में सबसे ज्यादा होगी क्योंकि इसका साइज छोटा है, 2p2 है, इसमें पी मत देखना कि इसमें तो पी में जा रहा है इलेक्ट्रॉन, इसमें तो एस में जा रहा है, ये सब नहीं देखना क्योंकि साइज भी देखें, समझिए कि नहीं है, इनर्ट पेयर इफेक्ट वगैरह कुछ नहीं आएगा, ये समझिए कि नहीं है। तो कार्बन की ज्यादा है, कार्बन के बाद फिर सिलिकन की, कार्बन की ज्यादा है, जैसे इसमें कार्बन में मान लो 120 के आसपास आ जाएगी, 120 110 कुछ भी आ सकती है इस तरह से, तो सिलिकन में थोड़ी सी क्या हो जाएगी, सिलिकन में थोड़ी कम हो जाएगी, -115 कह लो, फिर जर्मनियम में, जर्मनियम में -110 ले लो, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, एग्जैक्ट वैल्यू कुछ और होंगी, फिर यहाँ बढ़ गई होगी -112 आ गई होगी कुछ, मतलब यहाँ जर्मनियम से टिन में बढ़ जाएगी, लेड की कम होगी, सही ना, लेड की कम हो जाएगी, तो इस चीज का ध्यान रखना। नेक्स्ट अब है अब जो सबसे इंपॉर्टेंट ग्रुप्स हैं, सबसे इंपॉर्टेंट ग्रुप्स हैं जिनके क्वेश्चन स्कूल में आने हैं, अभी तो बताया है सही है कर लेना, लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट ग्रुप्स नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मुथ। नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन नहीं डलेगा बिल्कुल भी, क्योंकि नाइट्रोजन हाफ फिल्ड है, इसमें +31, इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी निकोजन की, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिटी क्या होगी, पॉजिटिव की नेगेटिव, वेदांत सर एफिनिटी नेगेटिव होगी, हाँ अब ये भूलना नहीं बिल्कुल, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिटी नेगेटिव है, गेन एंथैल्पी क्या है पॉजिटिव, गेन एंथैल्पी क्या है पॉजिटिव, और पी की क्या होगी, अब इसमें इलेक्ट्रॉन डल सकता है, मैंने अभी तुम्हें बताया हाफ फील्ड फुल फील्ड की स्टेबिलिटी नीचे आने पर कम हो जाती है, अब इसमें इलेक्ट्रॉन डल जाएगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आ गई -74, और ये ध्यान रखना बढ़ती है अभी नीचे हाफ फील्ड फुल फील्ड में, इलेक्ट्रॉनिफिटी नीचे आने पर बढ़ती है, ये भूलना नहीं कभी, -74 तो -77 हो गया, -77 तो -100 हो गया, -100 हो गया तो -110 हो गया, समझे कि नहीं, नीचे आने पर बढ़ती है, क्यों बढ़ रही है, बिकॉज स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड डाउन द ग्रुप डिक्रीजेस, क्यों डिक्रीज करती है, इनर सेल्स की एंट्री, सब सेल्स में एनर्जी डिफरेंस कम, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होने लग जाएगा इधर उधर, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो सकता है चाहे ये हाफ फील्ड है तब भी। फिर आया ऑक्सीजन वाला ग्रुप, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, बोलो सर, फिर मैग्नीशियम की भी तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव हो जानी चाहिए, पॉजिटिव ही है, बढ़ रही है, ये बढ़ेगी नीचे आने पर, समझिए कि नहीं, सर, मतलब मैग्नीशियम की पॉजिटिव है, एफिनिटी की बात कर रहा है, यस सर, नहीं नहीं एफिनिटी नेगेटिव ही है ध्यान रखना चीज का, बेरिलियम वाले ग्रुप ज्यादा स्टेबल है ना, फुली फिल्ड है, अच्छा यस, मैंने भी लिखा ना पीछे, नाइट्रोजन जो मैंने लिख दिया नेगेटिव उन्हीं को याद रखना है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन और पूरा इनर्ट गैसेस, ये सब नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाले, ये सब नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाले, समझ गए कि नहीं, यस सर समझ गए,
अब ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टेलुरियम पोलोनियम, अब ऑक्सीजन में -144 है, इलेक्ट्रॉनफिनिटी क्या है, ये तो इलेक्ट्रॉन ऐड होगा ही इसके अंदर, लेकिन यहाँ पे चीज क्या है, सल्फर की -200 के आसपास, सल्फर की -200 के आसपास है, और ऑक्सीजन की सबसे कम है, ऑक्सीजन की सबसे -200 है, तो -190 या -195 मान लो, -170 मान लो, माइनस इसको भी 160 मान लो ऐसे, तो ऑक्सीजन की सबसे कम हो गई है इधर, ऑक्सीजन की सबसे कम है। अब ऑक्सीजन तो सबसे छोटा है, साइज भी छोटा है इसका, फिर इसकी कम क्यों हुई है, ये स्कूल का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक ये वाला, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट फ्लोरिन क्लोरिन, फ्लोरिन क्लोरिन ब्रोमीन आयोडीन एसेटाइन, ऐसे ही फ्लोरिन की यहाँ पे -328, तो यहाँ -349, ब्रोमीन -300 के आसपास, तो आयोडीन भी -290 के आसपास, आयोडीन भी कितना -290 के आसपास, मतलब इन सबकी इलेक्ट्रॉनिक नेगेटिव है। फ्लोरीन की कम क्यों हुई है फ्लोरीन से, जबकि फ्लोरीन तो सबसे छोटा आइटम है टेबल में, मैंने बता भी रखा है इस बारे में, कौन देगा इसका रीजन, इलेक्ट्रॉन रूक गया अभी, तू हिमांशु बोल, तू इलेक्ट्रॉन रिपल, तेरी आवाज नहीं आ रही है, कनिष्ठ बोल, इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, पूरा बोल ढंग से, कनिष्ठ कहां से बोल, लेकिन इतना छोटा भी ना हो कि बाहर से इलेक्ट्रॉन आए और इनर शेल्स के यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही उसको रिपेल करते, और ये होता है इन तीन केसेस, फ्लोरीन में, ऑक्सीजन में और नाइट्रोजन, और इसके अंदर ग्रुप 17 है, ऑर्डर रटा होना चाहिए बिल्कुल ढंग से, क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ब्रोमीन आयोडीन, और अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन फैमिली की तो इसमें भी ऑर्डर क्या है, सल्फर, इसमें तो ऑक्सीजन लास्ट ही आ गया, उसमें फ्लोरीन तो सेकंड हाईएस्ट है ही, और पूरे टेबल में सेकंड हाईएस्ट फ्लोरीन की ही है, ऐसा नहीं कि फ्लोरीन की बहुत कम हो गई है, हाईएस्ट अगर क्लोरीन की है तो सेकंड हाईएस्ट किसकी है, फ्लोरीन की, हाईएस्ट क्लोरीन की तो सेकंड हाईएस्ट फ्लोरीन की, ये भूलना नहीं है बिल्कुल भी। अब ऑक्सीजन वाले ग्रुप में पोलोनियम की सल्फर की सबसे ज्यादा है, सल्फर की ज्यादा सही ना, सल्फर फिर सेलेनियम फिर टेलुरियम फिर पोलोनियम, लीस्ट ऑक्सीजन, लीस्ट ऑक्सीजन, रीजन ऑक्सीजन का साइज छोटा, ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ ऑक्सीजन देयर इज इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन एज एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इज एडेड, इसलिए ऑक्सीजन की कम हो जाएगी, समझ गए, इसलिए ऑक्सीजन की कम हो जाएगी। नाइट्रोजन में दो रीजन आ जाएंगे, नाइट्रोजन ऑलरेडी हाफ फिल्ड है, कैन नॉट एक्सेप्ट एनी मोर इलेक्ट्रॉन एज इट इज ऑलरेडी स्टेबल, दूसरा साइज छोटा है तो इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, इसलिए इसमें वैल्यू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की नेगेटिव है, वैल्यू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की नेगेटिव, समझ गए, इसलिए मैग्नीट्यूड कहना वो बहुत प्रॉपर नहीं होगा, क्योंकि अगर मैग्नीट्यूड बोलूंगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नाइट्रोजन की पॉजिटिव होनी चाहिए, लेकिन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नाइट्रोजन की क्या है, नेगेटिव है, तो मैग्नीट्यूड बोलना बहुत प्रॉपर नहीं है, समझ आ गया यहां तक कि नहीं। और अगर मैं बात करूं नोबल गैसेस की, हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टन ज़ेनॉन रेडॉन, इसमें बताओ ऑर्डर क्या होगा, सबकी नेगेटिव होगी इलेक्ट्रोनफिनिटी, हाँ कनिष, इसमें सबकी इलेक्ट्रोनफिनिटी नेगेटिव होगी, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इसमें ऑर्डर चेक करो, हाँ कनिष बोल, कनिष सर, हाँ बोलो, आंसर बोल इसका, सर मेरे को आवाज नहीं आ रही, जल्दी बताओ, नहीं आ रही, चलो कुछ होता, वेदांत आंसर बोलेगा, ये सर सबसे ज्यादा नियॉन की, फिर आर्गन की, फिर क्रिप्टन और ज़ोनॉन की बराबर हो जाती है, उसके बाद हीलियम की। वेदांत देख, अभी मैंने बताया ना पीछे कि अगर हाफ फील्ड और फुल फील्ड होगा तो नीचे आने पर इलेक्ट्रोनफिनिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है ना, यस सर, वेदांत
तो इसलिए ना ये इंक्रीज हो रही है, देख नियॉन आर्गन क्रिप्टन जेनोन रेडोन ऐसे इंक्रीज होगी नीचे आने पर, समझ गया कि नहीं? वैल्यूज नहीं देखनी, मैग्नीट्यूड लेगा तो बात अलग है, मैग्नीट्यूड लेगा तो फिर नियॉन की ज्यादा होगी, समझा कि नहीं वेदांत सर? बट जो आपने वैल्यूज नहीं, यस सर, समझ गए वेदांत? यस सर। और ध्यान रखना, अच्छा रेडॉन तक आ गए ना, हीलियम की जो है ना, हीलियम की जो है उसमें कम एनर्जी देनी पड़ती है, प्लस 48 है, बाकी में 100 से ऊपर लगभग, बाकी केसेस में मतलब 50 से ऊपर तो सब में है ही। हीलियम की कम क्यों हुई होगी? हीलियम में कम एनर्जी क्यों दे रही है? क्योंकि इसमें एस टू वाला केस मान लेना, बाकी सब में क्या है? इनर्ट गैसेस है ना, ऐसे याद रख लेना इसको, इसमें एस टू वाला केस है ना, समझ आ गया सबको कि नहीं? ये उज्ज्वल कुछ पूछना तेरे को? चलो ये हो गया यहाँ पे। अब अगला क्वेश्चन जो है, ये मैंने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का जो वेरिएशन है वो तुम्हें बता दिया है। नेक्स्ट अब इसमें सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जैसे सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज था ऐसे ही सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज, सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज, तो उसके लिए नोट करेंगे। जैसे मान लो कोई एटम एक्स है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन मैंने ऐड किया तो एक्स माइनस बन गया, ये ई ए वन है, इलेक्ट्रॉन फ्री वन, इसमें दोबारा इलेक्ट्रॉन ऐड किया मैंने तो एक्स टू माइनस बन गया, ये ई ए टू है, फिर दोबारा इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो ई ए थ्री बन गया, एक्स थ्री ई ए थ्री, ऐसे ही दोबारा इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो ई ए फोर बन गया। अब तुम बताओगे मेरे को ऑर्डर क्या आएगा? उज्ज्वल हीलियम की सबसे ज्यादा नहीं है, हीलियम प्लस 48 है ना, ग्रुप में हाँ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहेगा तो सबसे ज्यादा इसकी हीलियम की, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहेगा हीलियम की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा है, वैल्यू कम है। ध्यान रखना जो क्वेश्चन बोला ना, हीलियम में इलेक्ट्रॉन मतलब ऐड होने की बात करें तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कोई पूछेगा तो हीलियम की सबसे ज्यादा, फिर रेडॉन की, हीलियम रेडॉन ज़ेनॉन क्रिप्टन आर्गन नियॉन, ये आंसर आएगा ऑर्डर अगर पूछे पूरा कोई, समझ गया उज्ज्वल? चलो क्या होगा अब इलेक्ट्रॉनिफिटी ऑर्डर? ये ई ए फोर, कौन सी वैल्यू ज्यादा होगी? ई ए वन ज्यादा होगा, ई ए टू, ई ए थ्री, ई ए फोर, अगर मैग्नीट्यूड की बात करते, चलो मैग्नीट्यूड की, सर ई ए वन, मैग्नीट्यूड की बात करेंगे अगर, अगर मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, ध्यान देना, ई ए वन अगर है, ई ए टू है, फिर ई ए थ्री है, फिर ई ए फोर, मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो ये आंसर आएगा। क्यों? क्योंकि मैं पहला इलेक्ट्रॉन अगर ऐड कर रहा हूं किसी में तो एनर्जी रिलीज होगी एंड इट विल बी पॉजिटिव। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ न्यूट्रल एटम ऑलवेज पॉजिटिव इफ देयर इज नो एक्सेप्शन, नाइट्रोजन बेरिलियम और हीलियम नहीं है तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसी भी एटम की क्या होगी? पॉजिटिव। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसी भी एटम की पॉजिटिव होगी अगर नाइट्रोजन हीलियम और बेरिलियम वाला ग्रुप नहीं है, सही ना, जो मैंने एक्सेप्शन लिखवा दिए पहले, है ना। और ई ए टू ऑलवेज 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 नेगेटिव, ये बहुत ज्यादा नेगेटिव, ये और ज्यादा नेगेटिव, समझ गए कि नहीं? ये देखो ये क्वेश्चन आता ना, ये स्कूल का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओ टू माइनस इज एन एंडोथर्मिक स्पीसीज, ओ टू माइनस एंडोथर्मिक स्पीसीज क्यों है? ओ टू माइनस इज एन एंडोथर्मिक स्पीसीज, क्या रीजन आएगा? बोलो, O2 माइनस इज एन एंडोथर्मिक स्पीसीज, सर हीट देनी पड़ती है तो रिएक्शन ऐड करने के लिए। हाँ, देखो पहला इलेक्ट्रॉन ऐड किया इसमें, एनर्जी रिलीज हो गई, अभी तुम्हें देखा कि माइनस 144 था। सेकंड इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे इसी के अंदर, सेकंड इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे O2 माइनस बनेगा, इसमें एनर्जी 200 के करीब, सॉरी वो तो सल्फर की थी, इसमें एनर्जी जो होगी बहुत ज्यादा देनी पड़ेगी, मतलब इसके 4 टाइम से भी ज्यादा,
इसके फोर टाइम से भी ज्यादा, मतलब कुछ मान लो 750 मान लो एनर्जी देनी पड़ेगी, 750 के आसपास एनर्जी देनी पड़ेगी, इसके फोर टाइम से भी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, समझे कि नहीं? 700 ही मान लो उसको, ज्यादा अच्छा रहेगा 700, कैलकुलेशन थोड़ी इजी रहेगी। 638 है, चलो जो भी है अंदाजा है 638 मान लो, 638 एनर्जी। पहला इलेक्ट्रॉन ऐड किया, इलेक्ट्रॉन आसानी से ऐड हो गया, पहला इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो इलेक्ट्रॉन आसानी से ऐड हो गया, जब दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो क्या होगा, एनर्जी जो है बहुत ज्यादा देनी पड़ रही है। क्यों देनी पड़ रही है? क्योंकि इस नेगेटिव आयन में और इस इलेक्ट्रॉन में दोनों नेगेटिव है, दोनों में रिपल्शन होगी, दोनों में रिपल्शन होगी। इन ऑर्डर टू ओवरकम द फोर्स ऑफ रिपल्शन एनर्जी इज रिक्वायर्ड, इन ऑर्डर टू ओवरकम द फोर्स ऑफ रिपल्शन एनर्जी इज रिक्वायर्ड, सही ना? इन ऑर्डर टू ओवरकम द फोर्स ऑफ रिपल्शन एनर्जी इज रिक्वायर्ड। इसलिए O से अगर तुम O2 माइनस बनाओगे तो एनर्जी बहुत ज्यादा देनी पड़ेगी। ऐसे ही अगर N से या P से 3 नेगेटिव बनाओगे तो एनर्जी इसमें कितनी देनी पड़ेगी? बहुत ही ज्यादा। दूसरे इलेक्ट्रॉन में एनर्जी देनी पड़ रही थी तो तीसरे में तो बहुत ज्यादा देनी पड़ेगी। सो इन ऑर्डर टू ओवरकम द फोर्स ऑफ रिपल्शन एनर्जी इज रिक्वायर्ड, ओवरकम द फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन इनकमिंग इलेक्ट्रॉन एंड द नेगेटिव ऑक्साइड आयन। ये कर लेना, O2 माइनस क्या है? एंडोथर्मिक स्पीशीज है। फिर भी बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जो इसमें O2 माइनस की फॉर्म में होता है, फिर भी बहुत सारे स्पीसीज हैं जिसमें O2 माइनस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जैसे CaO, Al2O3, MgO, है कि नहीं? ये तो फिर ये कंपाउंड्स क्यों बन रहे हैं? जबकि मेरे को मैग्नीशियम से मैग्नीशियम 2+ बनाना है तो भी एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि आयन एनर्जी का कंसेप्ट है Ie1+Ie2। O से O2 माइनस बनाना है तो भी एनर्जी देनी पड़ रही है, अभी बताया मैंने। तो फिर ये एग्जिस्ट ही क्यों करते हैं कंपाउंड्स, जबकि एनर्जी देनी पड़ रही है इनको बनाने में?